Xiaomi ने अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 10 कर दिया है भारत में लॉन्च और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 49,999 और जिसका टॉप वेरिएंट है उसका दाम है 54,999। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया Xiaomi ने फोन लॉन्च तो कर दिया है Xiaomi Mi 10, क्या है इस फोन से जुड़ी हुई जमीनी हकीकत यानी कि रियलिटी क्या है, इस फोन से एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या क्या हो सकती है इस फोन से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सियां, क्योंकि ये तीनों चीजों का जमावड़ा या एक मिक्सचर तय करेगा कि Mi 10 भारत में होगा हिट या होगा फेल। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं Xiaomi Mi 10 जो हो चुका है भारत में लॉन्च, एक्सपेक्टेशन क्या है इससे वर्सेस रियलिटी वर्सेस कंट्रोवर्सीज। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं Xiaomi Mi 10 जो फोन है एक्चुअली क्या है इसमें खास। बेसिकली एक ये टॉप एंड फोन है Xiaomi का जो 5G सपोर्ट करता है और साथ ही साथ जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा है वो है इसका कैमरा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो अभी तक खाली Samsung S20 Ultra में दिखाया गया था। और ये जो सेंसर यूज़ किया गया है इस फोन में, जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा का सेंसर है वो भी Samsung का यूज़ किया है, तो ये तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके अलावा प्रोसेसर तो है ही है, लेकिन प्रोसेसर या फिर डिज़ाइन ले लीजिए, हाँ डिज़ाइन में डेफिनेटली थोड़ा नयापन है, लेकिन अगर प्रोसेसर देखिए तो ऐसा नहीं है कि इसी फोन में ये प्रोसेसर है, कुछ और फोन भी है मार्केट में जैसे Realme का फोन है या फिर आप IQ का फोन लीजिए वो भी पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं और उसका दाम आता है अफोर्डेबल रेंज में। लेकिन जी हाँ, कैमरा के मामले में डेफिनेटली ये सबसे आगे है इस टाइम, लेकिन है नंबर 2 पे Samsung के बाद। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशन समझने के ऐसे देख लेते हैं कि जब भी कोई ब्रांड अपना स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो जो पर्टिकुलर मॉडल लॉन्च करता है वो ब्रांड, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है ब्रांड के साथ। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक कि अगर आप सफर देखेंगे Xiaomi का, Xiaomi ने हमेशा फोकस किया है बजट स्मार्टफोन्स पे और कहा है कि हम अफोर्डेबल रेंज में टॉप नॉच स्मार्टफोन देंगे, यानी कि एक ऐसा फ़ोन जिसमें हर एक खूबियाँ होंगी लेकिन वो आपके बजट में होगा। और इस टाइम क्या हुआ है, Mi 10 के साथ वो बजट गड़बड़ा गया है क्योंकि वो एक ऐसे स्लैब में पहुँच गया है कि जहाँ पर वन प्लस और Samsung जैसे ब्रांड्स ने अपना दबदबा कायम करके रखा हुआ है। तो आप कहेंगे तो इसमें गलत क्या है, ये आगे मूव कर रहा है, बिल्कुल नहीं, हर एक ब्रांड यही चाहता है कि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े, हम नए नए सेगमेंट्स में घुसें और बहुत सारे नए ऑडियंस या कस्टमर्स को केटर करें या उनके लिए प्रोडक्ट लाएं, लेकिन एक साथ एक ही बार में ये नहीं हो सकता है, इसके लिए धीरे धीरे करके स्टेप्स लिए जाते हैं। और पिछले 3-4 साल देख लीजिए तो Xiaomi जब से आया है तो हमेशा बजट 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 में ही प्ले किया है और जो बजट वर्ड है वो ही उसकी पहचान बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि जिस टाइम Xiaomi भारत में आया था उस टाइम हिंदुस्तानी ऑपरेटर्स जो या हिंदुस्तानी हैंडसेट मैन्युफैक्चरर बड़े सुस्त पड़े हुए थे और एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, क्योंकि उस सेगमेंट में अंडर 15,000 में खाली ज़्यादातर जो दबदबा था वो हिंदुस्तानी ब्रांड्स का था, जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, इंटेक्स था उस टाइम पे, और जो बाकी ब्रांड्स थे जैसे Samsung ले लीजिए या और भी कोई LG थे वो थोड़े से हाई रेंज में आते थे या जो के बजट वाले फ़ोन थे उनमें फीचर्स की काफ़ी कमियां नज़र आती थी। Xiaomi ने उस सेगमेंट को पहचाना और उसमें अपने स्मार्टफोन्स लाने स्टार्ट किए और क्योंकि मार्केट में एक वैक्यूम ऑलरेडी था तो वो उस जगह पे अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया। तो ये थी शुरुआत, तो तब से लेके अभी तक यही चल रहा है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि जब भी Xiaomi अपना कोई नया फ़ोन करता था लॉन्च या जब भी कहीं पर भी उसकी तूतू में होती थी किसी ब्रांड के साथ, कहीं पर भी चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, मतलब ट्विटर ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, तो वहाँ पर हमेशा इस चीज़ पर ही फोकस किया जाता था, देखो हमने एकदम टॉप नॉच फीचर्स दे दिए हैं आपको और अफोर्डेबल प्राइस रेंज में
दे दिए। और कभी भी ब्रांड ने, कभी भी टॉप नॉच ब्रांड्स हो गए जैसे कि सैमसंग हो गए या फिर एप्पल हो गया या उस वन प्लस को भी ले लीजिए, उनके पीछे कभी नहीं पड़ता था। वो पड़ता था ब्रांड जैसे कि रियलमी हो गए या बाकी छोटे मोटे ब्रांड्स, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था, लेकिन रियलमी पे डेफिनेटली। और रियलमी भी एक ऐसा ब्रांड था जो कि बजट सेगमेंट में अपने पैर जमाने में लगा हुआ था जब उसने 2 साल पहले भारत में मार्केट में एंट्री की। तो फ्रेंड अब बात आती है कि ये एक्सपेक्टेशन और क्या थी, और एक्सपेक्टेशन ये थी कंज्यूमर्स की कि भैया ये हमेशा जैसा आप बता चुके हैं बजट फोन्स लाएंगे। अचानक से इनने एक लेवल ऊपर चले गए तो उन कस्टमर्स को लगा है झटका, क्योंकि उनने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओमी ऐसा कुछ करेगा कि एक लेवल अप जाएगा। और साथ ही साथ शाओमी ने पहले भी जो अपने इंटरनेशनल मार्केट में जो हाई एंड स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, तब भी जब उनसे पूछा जाता था कि भैया आप लोग ये फ़ोन इंडिया में ला रहे हो, तो वो कहते थे कि नहीं अभी इंडियन मार्केट इसके लिए तैयार नहीं है हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, और उस रेंज में वो प्रोडक्ट हमारे शायद देखना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, उस टाइम उनकी बात मान लेते थे, शायद शाओमी का परसेप्शन जो है मार्केट में वो ऐसा ही है, यानी कि नज़रिया जो कंज्यूमर्स का नज़रिया है शाओमी की तरफ वो ऐसा ही है, वो उनके टॉप एंड फोन्स नहीं लेंगे। और अचानक से फिर उन्होंने अपना मीट एंड लॉन्च कर दिया ऐसे दाम पे कि लोग सोचने लगे भैया लेना है कि नहीं लेना है, तो ये प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है। अगर शाओमी रेगुलरली एक फोन्स रेगुलरली मार्केट में लॉन्च करता है जो डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स थे, तो धीरे धीरे करके कंज्यूमर्स उनकी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी उसको अडॉप्ट कर लेते। अब बात कर लेते हैं रियलिटी। रियलिटी ये है कि जैसे हमको बता चुके हैं प्राइस से जुड़ी हुई है अगेन, कि एक प्राइस सेगमेंट में उन लोगों ने अभी तक प्ले किया था, लोगों ने उसमें एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई एक बजट गाड़ी लेना चाहता है तो वो लेगा मारुति ले लेगा, हुंडई ले लेगा, टाटा ले लेगा, लेकिन अगर उसे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए तो वो टॉप एंड ब्रांड्स की तरफ रुख करेगा, जैसे कि मर्सिडीज हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया। और सेम थिंग स्मार्टफोन सेगमेंट में भी होता है, अगर कोई कंज्यूमर एक पर्टिकुलर ब्रांड देख रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज देख रहा है, तो वो एक ब्रांड की तरफ रुझान करेगा, अचानक से वो जाके आपका टॉप एंड प्रोडक्ट नहीं लेगा। चाहे गाड़ी में भी देख लीजिए, टाटा एक गाड़ी थी जो बजट रेंज में आती थी, लेकिन लोगों ने उसकी टॉप एंड गाड़ी जब लग्जरी गाड़ी की बात हुई तो वो भी कंसिडर किया, लेकिन टाटा ब्रांडेड नहीं, जगुआर, क्योंकि जगुआर एक कंपनी थी जिसे टाटा ने एक्वायर किया, उसके बाद लोगों ने उसका रुझान किया। और इस सेगमेंट में जो टॉप एंड में जिसमें शाओमी मीट एंड प्ले कर रहा है, इसमें सैमसंग और वन प्लस ने अपना दबदबा काफ़ी मजबूत रखा हुआ है और लोगों को प्रूव करके दिया है कि हम इस सेगमेंट में आपको बेहतरीन प्रोडक्ट दे सकते हैं और आपको उस प्रोडक्ट के लिए ये प्राइसिंग हम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रियलिटी में एक और चीज़ है, अगर किसी को फोन लेना ही है 50,000 के आसपास का, तो वो वन प्लस के लिए जाएगा। हाँ डेफिनेटली प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 5,000 की डिफरेंस आ रही है, लेकिन 5,000 दे देगा कंज्यूमर वन प्लस का फोन लेने के लिए, क्योंकि उसने एक जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि उसने अपना मुकाम बना लिया, अपनी पोजीशन वहाँ सीमेंट कर ली है। और सैमसंग ने भी करके रखी हुई है अपनी हाई एंड पोजीशन में कि भैया अगर मुझे टॉप एंड लेना है, मुझे इनका लेना है, बजट लेना है, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं जैसे कि शाओमी, रियलमी। तो धीरे धीरे करके यह होगा चेंज, एक साथ ये चेंज नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सीज की। शाओमी ने फोन तो ला दिया, अच्छी बात है, चलो पहल तो ली उनने, मे बी इस टाइम शायद शाओमी मी 10 को वैसा रिस्पांस ना मिले मार्केट का जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर लगातार बार बार वो अपने सब फ्लैगशिप को भारत में लेकर आए तो शायद लोग का परसेप्शन या उनका नज़रिया चेंज हो जाए शाओमी ब्रांड की तरफ, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ जैसे हम बोल रहे हैं कि ये सेगमेंट हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी, ऑफलेट जो कंट्रोवर्सी उठी है कि शाओमी यूजर्स का डेटा कलेक्ट करता है। इसमें शाओमी ने कह दिया है कि जी हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, हाँ आप चाहें तो हमारा चेक कर सकते हैं सब, हम कुछ ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी है। उसके अलावा अगर एक और चीज़ सेगमेंट देखें कि ऑफलाइन मार्केट में तो मैं थोड़ी होती रहती थी पहले शाओमी की, ऑफलेट थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन वो भी शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है मीट एंड सेल्स भी, क्योंकि होता क्या है कि जब टॉप एंड फोन्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट सेल्स जो होती है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बराबर हो जाती है, क्योंकि जब लोग 50,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं लुक एंड फील देखना। जी हाँ, यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि वन प्लस तो भी तो ऑनलाइन बेच रहा है, लेकिन वन प्लस ने अपने इस सेगमेंट से कभी बाहर ही नहीं निकला,
स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा हाथ पैर मारे इधर उधर, लेकिन फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को रिवर्स कर दिया, बोला बॉस हम तो मिड से टॉप एंड के सेगमेंट में ही रहेंगे, उससे बाहर हम नहीं निकलेंगे। तो नया ब्रांड कुछ आता है तो उसे लुक एंड फील का तो मौका देना पड़ेगा, तभी जाके अगर कोई कंज्यूमर्स चाहते हैं तो वो लेंगे, अन्यथा टॉप एंड फोन लेने वाले कंज्यूमर्स ऑलरेडी मन बना चुके होते हैं हमें कौन सा फोन लेना है, और वो बाकी कुछ नहीं देखते, वो जाते हैं सीधे वो वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो बेसिकली ये थी दो कंट्रोवर्सीज उनसे जुड़ी हुई, कि उनकी जो डेटा से रिलेटेड जो अभी हुई है और साथ ही साथ जो रिटेल्स के थ्रू में होती रहती है ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो भी एक नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है Xiaomi Mi 10 की सेल में। ओवरऑल अगर मैं पर्सनली देखूं, अगर मुझे अगर 50,000 का फ़ोन लेना है, क्या मैं Xiaomi का फ़ोन अभी लूँगा? मैं शायद ना लूँ, क्योंकि अगर मुझे 50,000 तक जाना है, कोई नया डिवाइस लेना है, तो मे बी मैं OnePlus या Samsung को प्रेफर करूँगा, क्योंकि उन दोनों ब्रांड्स ने इस सेगमेंट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आखिर आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि Xiaomi Mi 10 भारत में हो सकता है सक्सेसफुल या फिर उसको खानी पड़ेगी मुट्ठी, या और आपकी कोई और ऑब्जर्वेशंस हैं Xiaomi की स्ट्रेटजी से लेके, या जो वो तरीके अपना रहे हैं कंज्यूमर्स को रीच करने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।